आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक एसी कैसे काम करता है। इस समय ये मेरे पास ह्युंडई एक्स्टर है और ये इसका ऑटोमेटिक है और इसमें जो है ऑटो एसी भी आता है, इसको क्लाइमेट कंट्रोल भी कहते हैं लोग, वही चीज़ रहती है। एसी को FATC भी बोलते हैं, फुली एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर कंट्रोल, जो भी है तो क्लाइमेट कंट्रोल ही रहता है ऑटो एसी, आप उसी से समझो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये काम कैसे करता है, इसके एक एक बटन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये जो बटन है ये फ़ैन का बटन है, इसको इस तरफ घुमाओगे तो बढ़ेगा, माइनस तरफ ले जाओगे तो घटेगा, सिंपल है। ये देखो ये फैन की स्पीड घटती बढ़ती जाती है। हल्ला नो इसके लिए बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो फिर इससे फ़ैन की स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी, और उसके बाद फिर ये बटन है जो ये रिसर्कुलेशन बटन है, मीन्स अगर आपका एसी ऑन है तो आप क्या चाहते हो, अंदर की हवा ही अंदर घूमते रहे या बाहर की हवा अंदर लेना है। इससे अगर आप ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, बाहर की हवा अंदर आएगी, तो बाहर जो टेम्परेचर है अंदर भी वही टेम्परेचर होगा, और अगर बाहर कुछ स्मेल है तो वो अंदर भी आएगी। तो इसको जनरली अगर आपको कूलिंग करनी है तो इसको जो है ऑन ही रखो रिसर्कुलेशन मोड पे, ये रिसर्कुलेशन बटन होता है। इसके बाद ये बटन आता है ये मोड चेंज करने का कि आपको हवा कहाँ पर चाहिए। सपोज जैसे अभी ये एरो, मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी ये पैर की तरफ है तो यहाँ पर जो वेंट होते हैं ना नीचे तरफ, यहाँ पर अंदर होते हैं और यहाँ पर भी अंदर होते हैं, तो सिर्फ वो वाले वेंट्स अभी ओपन है तो हवा सिर्फ नीचे से आएगी। फिर इसको अगर चेंज करोगे तो अभी ये जो है डिफॉगर ऑन हो गया, तो क्या होगा, इससे पैर में भी हवा आएगी प्लस यहाँ पर जो वेंट्स होते हैं उससे भी हवा आएगी। फिर उसके बाद फिर ये बटन फिर से प्रेस किया तो अभी ये फेस की तरफ आ रहा है, मींस ये जो वेंट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे और हवा जो है इसमें से आएगी, और सेम उस तरफ ये वेंट्स आपके चालू हो जाएंगे। और अगर आपके में रियर एसी है तो उससे भी हवा जो है आनी शुरू हो जाएगी, अगर पीछे का ऑन रखा आपने तो। और उसके बाद फिर ये प्रेस करोगे तो हवा जो है नीचे से भी आएगी और जो यहाँ के ये जो वेंट्स हैं इनमें से भी आएगी, फिर रिपीट हो रहा है। तो यही सारा फंक्शन है इसका। इसके बाद ये है रियर, रियर मींस ये आप तभी यूज़ करोगे जब फॉगी कंडीशन से आपके कार में फॉग जमा हुआ है और आपको पीछे का फॉग हटाना है, तो ये बटन प्रेस करोगे तो जो पीछे तरफ जो लाइंस है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो हीट करेंगी जिससे पीछे का फॉग हट जाएगा सीधे इस बटन से। फिर ये फ्रंट का बटन प्रेस करोगे तो अगर आपको फ्रंट से फॉग हटाना है तो जो फ्रंट के जो वेंट्स हैं और ये वाला है और सेम वो वाला है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वहाँ से फॉग हट जाएगा क्योंकि वहाँ से हवा आएगी। और ये ऑफ बटन है तो अगर आपका एसी ऑन है, ऑफ़ करना है तो ऑफ बटन प्रेस करोगे। फिर ये जो है ये टेम्परेचर का बटन है, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए है। सपोज़ आपने जो है इसको ज़ीरो पे ही रखता हूँ, आपको अगर जो है सिर्फ 24 का टेम्परेचर चाहिए तो आप सेट करोगे, और ठंडा चाहिए तो कम करते जाओगे, ये लो पे आ गया, फिर आपको हाई चाहिए तो आप जो है हाई करते जाओगे, तो ये उसका बटन है। और उसके बाद फिर ये जो ऑटो बटन है ये बड़े काम का बटन है, और ये मैं बताना भूल गया था, इसी में ये जो सेंटर वाला बटन प्रेस करोगे तो इससे एसी ऑन होगा। क्या है, अगर आपको सिर्फ फैन चाहिए तो आप क्या करोगे कि सिर्फ ये फैन को घुमा दो तो आपका जो है वो सिर्फ फैन चालू रहेगा, अगर एसी भी दबा दिया तो फिर साथ में ठंडी या गर्म हवा जैसा भी आपने सेट किया है वैसी हवा वो फेंकेगा। और फिर ये ऑटो बटन है, तो ऑटो बटन से क्या होगा, आपने सपोज़ यहाँ पर 24 डिग्री रखा है तो कार ऑटोमेटिकली जो है 24 का टेम्परेचर मेंटेन करेगी। और वो कैसे करेगी, इसमें क्या दो सेंसर लगे रहते हैं, अभी एक सेंसर लगा जो बता रहा है बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री है, और उसका सेंसर यहाँ पर लगा होता है ये, तो इसको आप कभी भी उसको कवर ना करें किसी भी चीज़ से अगर आप चाहते हो एसी आपका अच्छे से काम करे तो। और एक सेंसर ये लगा होता है, दो सेंसर होते हैं जनरली, तो जो डैशबोर्ड में सेंसर लगा वो बताता है बाहर का टेम्परेचर क्या है, और ये जो सेंसर है ये बताता है कि अंदर का टेम्परेचर क्या है। तो जब भी आप ऑटो बटन प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली कार जो है फैन स्पीड और एसी को भी कंट्रोल करती है खुद से ही। जैसे अगर यहाँ पर 24 डिग्री मैंने सेट किया है तो कार ऑटोमेटिकली बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर कंपेयर करेगी और उस हिसाब से जो है फैन की स्पीड फुल करेगी, और जैसे ही उतना टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा
तो फिर ऑटोमेटिकली फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी, एसी भी ऑफ हो जाएगा अगर टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तो ये ऐसे काम करता है। अभी देखना, अभी अगर मैं इसको घटाऊंगा ना तो फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। ये देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्योंकि कार को क्या लग रहा है, इसको जल्दी से कूलिंग चाहिए, तो ये लेवल 3 पे आ गई है अभी। और जैसे ही वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बाद में। फिर तो ये ऐसे काम करता है। और जैसे अगर बाहर बहुत गर्मी हो और कार भी धूप में खड़ी थी और आप चाहते हो कि कार जल्दी ठंडी हो जाए, तो उसके लिए कई लोगों को लगता है कि मैनुअल एसी ज़्यादा जल्दी ठंडा करेगा। मींस आप टेम्परेचर सेट कर दो, यहाँ पर लो पे कर दो और उसके बाद में फिर फ़ैन को फुल पे कर दो, तो इस तरीके से जो कार जल्दी ठंडी हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने क्या करना है, ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर को रखना है 23 पर और उसको ऑटो में सेट कर देना है। तो जो कार क्या है कि खुद से ही पहले लो पे रहेगी, और ये जो पोजीशन है अगर गर्मी है तो ऑटोमेटिकली इसका पोजीशन भी वो चेंज करेगी कि नीचे से भी हवा देना है, यहाँ से भी देना है और ठंडी हवा देना है। और जैसे वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सब कट ऑफ कर देगी और फिर नॉर्मल एसी चलेगा। तो ये ज़्यादा इफ़िशेंट होता है तरीका कार को अगर जल्दी ठंडा करना है तो।